नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट से संडे का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर आए हैं और जो एग्ज़ाम देकर आए स्टूडेंट वो अपने चेक करें कि भाई कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा रहे हैं वो देखें कि अगले एग्जाम में जो है वो क्या कुछ संबंधित क्वेश्चन जो हैं आपके रह सकते हैं ना तो शुरू करते हैं आ, आज का सेशन जो है आशा है कि सबका अच्छा पेपर हुआ हुआ होगा सबका मज़ेदार पेपर हुआ होगा है ना और नेक्स्ट पेपर के लिए जो जा रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएँ जो पेपर दे के आए हैं उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या ऐसी आशा है हमें है ना तो पेपर हमारे पास जो है वो आ चुका है और पेपर अपने शुरू कर रहे हैं देखिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एलेस को नोबल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं यानी कि किस देश के हैं या किस देश से संबंध है उनका यूक्रेन बेलारूस रूस या इंग्लैंड यानी कि एलेस वालियास्की को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है 2022 का उनका किस देश से संबंध है ये आपने बताना है दोस्तों तो वो कहां से संबंध रखते हैं बेलारूस से कहां के हैं बेलारूस तो पहले का जो आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का वो क्या है अपने पास बी आंसर है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर है अपने पास क्वेश्चन नंबर दो है अपने पास देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो है कि चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं चांदी के बर्तन जो है कुछ दिन हवा में खुले में रखने पर क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं ये क्वेश्चन है आपका तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अपने पास दोस्तों वो क्या रहने वाला है तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पास डी यानी कि AG2S, क्या आंसर बनेगा एजी टू एस इसका सही जवाब बनेगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अपने पास अट्ठाइस नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस मैं थोड़ा सा कहूंगा इसको भैया दोनों पार्टों को थोड़े दोनों स्लाइड पर दिखा दो इनको दोनों पार्टों को दोनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड पर मतलब दोनों क्वेश्चन आ जाए दोनों पार्ट आ सक आ जाए इस पर थोड़ा सा जूम कर दो साफ़ देखना चाहिए बस देख लेना थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर देखिए 28 पर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस अपने से क्या कह रहा है साइंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पहले अपने साइंस के सॉल्व कर लेते हैं फिर अपने आगे बढ़ेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस अपने से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता पामिटिक अम्ल स्टेरिक अम्ल लॉरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल कौन सा जो साबुन बनाने में काम नहीं आता ये बताना है और 28 का आंसर रहेगा डी बेंजोइक अम्ल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा नेक्स्ट देखिए चौंतीस नंबर क्वेश्चन है पहले अपने साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो हल करेंगे काफ़ी क्वेश्चन आए साइंस के क्वेश्चन नंबर चौंतीस देखिए क्वेश्चन नंबर चौंतीस क्वेश्चन नंबर चौंतीस है कि एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है दर्पण की प्रकृति क्या है ये आपने बताना है कि दर्पण की प्रकृति क्या है क्वेश्चन नंबर चौंतीस और क्वेश्चन नंबर चौंतीस का आंसर रहेगा अवतल दर्पण क्या आंसर रहेगा दोस्तों अवतल दर्पण जो है इसका आंसर रहेगा सबसे पहले अपने साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि बिखरे हुए क्वेश्चन है एक क्वेश्चन किसी का कहीं दे रखा है एक क्वेश्चन किसी का कहीं दे रखा है तो पहले साइंस के सॉल्व कर लेते हैं अपने है ना अब दर्पण अगला क्वेश्चन टू नंबर क्वेश्चन है अपने सामने फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू नंबर क्वेश्चन है देखिए फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है वो कौन सा विटामिन है विटामिन बी वन विटामिन के विटामिन डी या विटामिन बी टू कौन सा विटामिन है ये आपको बताना है तो फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी विटामिन डी क्या आंसर रहेगा दोस्तों इसका विटामिन डी आंसर रहेगा वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है कौन सा विटामिन है वो विटामिन डी है कौन सा है विटामिन डी है चौपन नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन फिफ्टी फोर भी साइंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर देखिए निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण या किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है ये आपको प्रिज्म ए दे रखा है यहाँ बी दे रखा है सफेद प्रकाश है और निर्गत किरण इसका जो आंसर है वो आपने चयन करना है कि भाई इस क्वेश्चन का जो क्या आंसर है क्वेश्चन का क्या आंसर, आंसर रहेगा तो क्वेश्चन नंबर चौपन है और चौपन का आंसर रहेगा डी यानी कि बैंगनी प्रकाश क्या आंसर रहेगा दोस्तों बैंगनी प्रकाश जो है इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर साठ देखिए क्वेश्चन नंबर साठ भी साइंस का है और अपने शुरुआती दौर में साइंस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे हैं यानी कि उन्हें क्या कहते हैं रक्ताणु कहते हैं श्वेताणु कहते हैं पट्टिकाणु कहते हैं या लचिकाणु कहते हैं क्वेश्चन नंबर साठ है और क्वेश्चन नंबर साठ का सही आंसर है बी उनको क्या कहते हैं दोस्तों श्वेताणु कहते हैं उनको क्या कहते हैं उनको श्वेताणु के नाम से उनको जाना जाता है क्या कहा गया उनको श्वेताणु उनको कहा गया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर चौसठ नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर साथ साथ अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो ये भी बताएं कि आपको एग्जाम का लेवल जो है वो कैसा लगा है कैसा रहा है एग्जाम का लेवल नमस्कार अनमोल जी नमस्कार जी है ना साथ साथ ये भी बताते रहे क्वेश्चन नंबर चौंसठ देखिए कि शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया है ब्राउन अरस्तु रीटर या खुराना तो चौंसठ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आएगा क्या रीटर क्या आंसर रहेगा रीटर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा देखते रहना साफ दिख रहा है ना स्क्रीन पर ये देखते रहना आप क्वेश्चन नंबर चौंसठ का सही आंसर है क्या सी यानी कि रीटर अड़सठ नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है अपने अपने जठर शोथ यकृत सिरोसिस उच्च रक्तचाप और रक्तहीनता सतासी नंबर क्वेश्चन है और सतासी नंबर क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा उच्च रक्तचाप यानी कि सी आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब है उत्त उच्च रक्त रक्तचाप जो है सौ नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सौ साइंस का ही क्वेश्चन है साथ साथ बताते रहें दोस्तों कि आपका पेपर कैसा गया है और पेपर का लेवल जो है वो कैसा लगा आपको आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था ये भी साथ साथ जो है वो बताते चले अपने को क्वेश्चन नंबर सौ देखिए ग्रिगर मंडेल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए भ्रंगों सरसों समुद्री अर्चन और मटर सौ नंबर क्वेश्चन है और ये दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है जब हम दसवीं में पढ़ा करते थे तब जो है ये ग्रेगर मेंडल का नियम पढ़ाया जाता था और सबको पता है भैया इसका आंसर तो मटर होगा क्या होगा मटर जो है इसका सही जवाब है क्या आंसर रहेगा इसका मटर इसका बिल्कुल सही जवाब है 107 नंबर क्वेश्चन देखिए 107 नंबर क्वेश्चन भी जो है साइंस का है अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं बूंदों से मल मौखिक मार्ग से कीड़ों के काटने से पशु का व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क से 107 नंबर क्वेश्चन और 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों आपके सामने बी आंसर रहेगा क्या रहेगा बी आंसर रहेगा मल मौखिक मार्ग से इसका सही जवाब रहेगा गुड मॉर्निंग भाई सबको गुड मॉर्निंग साहेल जिंदल बोल रहे हैं बॉयस बॉयस आर करते रहे भाई एक बारी मल मौखिक मार्ग से 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है भी है क्वेश्चन नंबर 123 देखिए ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 123 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 123 आपसे क्या कह रहा है बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के लिए के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है कल सेकंड शिफ्ट में भी इसका रक्त समूह का क्वेश्चन था और इस शिफ्ट में भी रक्त समूह का ही क्वेश्चन जो है वो देखा गया है तो देखिए ए एवं ओ रुधिर वर्गों को बी एवं ओ रुधिर वर्गों को ए एवं ए बी रुधिर वर्गों को बी एवं ए बी रुधिर वर्गों को तो 123 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है आपके सामने डी आंसर है बी एवं ए बी रुधिर वर्गों को 131 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी अपने पास में जो है साइंस का ही क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन आए हैं साइंस के एक सौ इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिए खालिस्तान के बीजों द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है सोयाबीन के बीजों से चना मक्का या जौ से दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है एक सौ इकतीस नंबर क्वेश्चन है और एक सौ इकतीस नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है सोयाबीन क्या सही जवाब है दोस्तों सोयाबीन बिल्कुल इसका सही जवाब है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। देखिए भारत में एक पेमेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है पांच वर्ष दस वर्ष पंद्रह वर्ष या बीस वर्ष तो 133 नंबर जो क्वेश्चन है इसका डी आंसर रहेगा क्या आंसर रहेगा दोस्तों इसका डी आंसर इसका रहेगा 139 नंबर क्वेश्चन देखिए 139 नंबर क्वेश्चन विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं परीक्षण संस्करण प्रभावी संस्करण पूर्व संस्करण या शुद्ध संस्करण तो 139 का आंसर रहेगा सी पूर्वज संस्करण क्या रहेगा दोस्तों पूर्वज संस्करण 145 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है सेलुलोज लिगनीन, हेमी ले, आ, हेमी सेलुलोज इसका सही आंसर क्या रहेगा 145 नंबर क्वेश्चन तो इसका सही आंसर रहेगा सेलुलोज क्या आंसर रहेगा दोस्तों सेलुलोज जो है बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा 142 नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक सौ बयालीस निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है लोहे में जंग लगना मैग्नीशियम रिबन का दहन मोमबत्ती का जलना या बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन बताना है आपने और भौतिक परिवर्तन जो है बता रहे हैं भैया ए आंसर बता रहे हैं लोहे में जंग का लगना जो है वो क्या है भौतिक परिवर्तन बता रहे हैं ना ये थे आपके सामने साइंस के क्वेश्चन इतने सारे काफी आ, काफी मात्रा में जो है वो साइंस के क्वेश्चन अपने पास आए हैं है ना दोबारा से शुरू करते हैं अपने देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह है अपने सामने क्वेश्चन नंबर ग्यारह इंग्लिश का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग्यारह सी टीज द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी पैथोलॉजी मतलब तो तो क्या कहते हैं उसको तो क्या कहते हैं बॉटनी कहते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ग्यारह का आंसर रहेगा ए आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह और द करेक्ट प्रपोजिशन का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों बियॉन्ड क्या आंसर रहेगा बियॉन्ड यानी कि सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह आसान सा क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर सोलह ऊंट अनुसंधान ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ स्थित है दोस्तों बीकानेर में स्थित है कहाँ स्थित है बीकानेर में स्थित है क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन था राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन था तो कृष्ण कुमार गोयल जो है इसका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है तो कौन सा सरकारी पत्र नहीं है दोस्तों आवेदन पत्र जो है वो सरकारी पत्र की श्रेणी में नहीं आता है आवेदन पत्र जो है सरकारी पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है अपने सामने सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्ताइस और हिंदी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सत्ताईस इसमें क्या पूछा जा रहा है अपने से कि ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है और इसका सही संधि विच्छेद बनेगा रिक धन वेद रिक धन ए वेद यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर तीस जो है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सभी शब्द अशुद्ध हैं कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सारे के सारे अशुद्ध शब्द हैं वो आपने बताना है और इसका ए आंसर बनेगा कौनते कृति और के कई जो है सभी अशुद्ध शब्द इसमें बता रहे बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बत्तीस नंबर क्वेश्चन नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है पश्चिम बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों तो दामोदर कौन सी नदी है दामोदर जो है इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं इसको शोक कहते हैं या पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो कहलाती है क्वेश्चन नंबर पैंतीस देखिए यह भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पैंतीस क्वेश्चन नंबर पैंतीस देखिए इंद्रावती नदी खालिस्तान नदी की सहायक नदी है यानी इंद्रावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है तो वो किसकी सहायक नदी है गोदावरी की सहायक नदी है किसकी सहायक नदी है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है क्वेश्चन नंबर छत्तीस देखिए ये भी जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है तो उत्तरी चित्तौड़ इसका सही जवाब रहेगा क्या रहेगा दोस्तों सही जवाब उत्तरी चित्तौड़ जो है वो इसका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर नंबर देखिए देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है हिंदी का क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द कौन सा है तो थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा बचपन योग्यता क्या आंसर रहेगा दोस्तों बचपन योग्यता सही जवाब रहेगा बयालीस नंबर क्वेश्चन बयालीस नंबर क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र बनों के अंतर्गत होना चाहिए यानी कि बयालीस नंबर क्वेश्चन और इसका सही जवाब है बीस परसेंट क्या सही जवाब है दोस्तों बीस परसेंट इसका बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट आइए फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं इसका आंसर रहेगा बी बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और गंगानगर बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और क्या गंगानगर पचास नंबर क्वेश्चन देखिए पचास नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पचास नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से कि जस्टिस पंकज मिथल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं तो कौन से दोस्तों चालीस में मुख्य न्यायाधीश है क्या आंसर रहेगा चालीस में मुख्य न्यायाधीश इसका आंसर रहेगा फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए त्रेपन नंबर क्वेश्चन त्रेपन नंबर क्वेश्चन रखा प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जैसलमेर सांगानेर बाडमेर और कोटा तो इसका सही जवाब रहेगा बाडमेर क्या सही जवाब रहेगा दोस्तों बाडमेर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा राइट right आंसर क्या है इसका बाडमेर बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर छप्पन देखिए फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन यानी कि छप्पन नंबर क्वेश्चन है गोंडावन पाई जाती है गोंडावन कहाँ पाई जाती है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या आंसर रहेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्या रहेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी सेवन कौन सा क्वेश्चन है सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन है सड़सठ नंबर क्वेश्चन है सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन है कनक के अनेक आर्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है गेहूं किरणरा और सोना तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्या किरण जो है बिल्कुल सही जवाब है क्या आंसर रहेगा इसका किरण इसका सही जवाब रहेगा सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन देखिए सेवनटी वन नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन है तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है तो किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है दोस्तों तेरे ताली नृत्य जो है रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है परिवर्तन सहमति अनुमोदन और संशोधन तो इसके लिए सही शब्द बनेगा क्या दोस्तों संशोधन इसका बिल्कुल सही जवाब है तेतर का सही जवाब क्या है संशोधन क्वेश्चन नंबर चौहत्तर देखिए निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है पाल शिल्प ग्राम बोरानाडा, थर्ड नापासर और मंडोर तो चौहत्तर नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा नापासर क्या सही जवाब बनेगा दोस्तों नापासर जो है बिल्कुल इसका सही जवाब रहने के लिए जा रहा है नापासर अगर आप एग्जाम देकर आए दोस्तों तो आप अपना अपना बताएं कि भाई पेपर आ, कैसा लगा आपको कैसा लेवल था पेपर का नेक्स्ट देखिए पिछहत्तर नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पिचहत्तर सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं किसको देते हैं मुख्यमंत्री को राज्यपाल को लोकायुक्त को या उच्च न्यायालय को तो किसको देते हैं दोस्तों राज्यपाल को देते हैं क्या आंसर रहेगा इसका राज्यपाल इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छिहत्तर है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये भी छिहत्तर नंबर क्वेश्चन राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश महान्यायवादी महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन बाध्य है कि भाई कानूनी सलाह उसको देनी होगी तो छिहत्तर नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है महाअधिवक्ता क्या आंसर रहेगा दोस्तों महाअधिवक्ता जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा 78 एट नंबर क्वेश्चन ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है सेवनटी एट नंबर क्वेश्चन राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता तो सही जवाब रहेगा दोस्तों क्या मुख्यमंत्री क्या सही जवाब रहेगा इसका मुख्यमंत्री जो है इसका सही जवाब रहेगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एटी नंबर क्वेश्चन है इंद्रा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है बड़ा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों तो इसका सही जवाब बता रहे हैं क्या बारह क्या रुपए इसका सही जवाब बताया है अगला क्वेश्चन देखिए सेवेंटी एटी एट नंबर क्वेश्चन है अठासी नंबर क्वेश्चन देखिए अठासी नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है अंतरराज्य परिषद का सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अठासी नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर रहेगा डी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष क्या आंसर है दोस्तों डी इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला क्वेश्चन आइए नाइनटी सेवन नंबर क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है नंबर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो के कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है राज्यपाल की स्विवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है यानी कि सतानवे नंबर क्वेश्चन और सतानवे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी जो है इसका सही जवाब रहेगा कि राज्यपाल की स्विवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है निन्यानवे नंबर क्वेश्चन देखिए अनुपूरक इसका इंग्लिश में शब्द बताना था आपको अनुपूरक का और इसका सही आंसर रहेगा यानी कि डी इसका बिल्कुल सही जवाब है 104 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 104। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है तो कितने चरणों में पूरा हुआ है दोस्तों सात चरणों में पूरा हुआ है कितने चरणों में सात चरणों में पूरा हुआ है 110 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 110 110 नंबर क्वेश्चन देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है आधा दो तिहाई एक तिहाई या एक चौथाई तो दो तिहाई भाग जो है वो क्या है दोस्तों मरुस्थली है क्या आंसर रहेगा दो तिहाई एक सौ चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर एक सौ चौदह राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं उत्तरी अरावली मध्य अरावली दक्षिणी अरावली या हाड़ौती पठार तो क्या आंसर रहेगा दोस्तों डी हाड़ौती पठार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 117 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्षतया संबंधित है अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्षतया संबंधित है दीवानी आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें केवल संवैधानिक मुकदमों में की गई अपीलें संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय एक नंबर क्वेश्चन और एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा बिल्कुल जी दीपक बता रहे हैं कि भाई सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन सेवनटी नाइन क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और चार तारीख की फर्स्ट पारी में इन्होंने एग्जाम दिया बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई आपके अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे अपने और क्वेश्चन है अपने सामने 119 नंबर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बालकृष्ण कौल हीरालाल शास्त्री नारायण व्यास तो 119 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हरिभा दोस्तों हरिभा अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है अजमेर कोटा जयपुर बी का तो 120 का आंसर है बी यानी कि कोटा क्या आंसर रहेगा दोस्तों कोटा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा एक नंबर क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं मनोनीत होते हैं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं तो एक का आंसर है ए यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं दोस्तों निर्वाचित होते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक देखनी है पद भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है अपादान तत्पुरुष करण तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष संप्रदायन तत्पुरुष तो अपाद अपादान तत्पुरुष इसका सही जवाब रहेगा के पैर लगना मुहावरे का सही अर्थ है विनाश के लक्षण प्रकट होना जवाब न देना घबराहट होना अधिक घमंड करना तो इसका राइट आंसर यही रहेगा अधिक घमंड करना अगला क्वेश्चन देखिए 132 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है अन्नामलाई अरावली शिवालिक या विंध्य तो सही आंसर रहेगा क्या शिवालिक जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा कौन सा आंसर रहेगा इसका शिवालिक जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एक जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं है, द्वंद उलोक तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्या उलोक तत्पुरुष इसका सही जवाब रहेगा एक नंबर क्वेश्चन देखिए राजस्थान राज्य गंगानगर सुगर मिल है निजी क्षेत्र की कंपनी सहकारी क्षेत्र की सरकारी उपक्रम है या सरकार निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है तो सहकारी क्षेत्र की सॉरी तो क्या आंसर है दोस्तों सहकारी क्षेत्र की इसका बिल्कुल सही जवाब है अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों देखिए आज मेरी सी की परीक्षा थी उसमें 60 से भी अधिक प्रश्न आरपीएससी एग्जामिनर चैनल से पूछे हैं। बहुत बढ़िया बात है जी दोस्त और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ के सॉल्व करा रहे हैं आपको सुशील जी थैंक यू सर जी सभी को जय श्री श्याम और उम्मीद करता हूं कि सभी का पेपर है जो बहुत ही अच्छा गया होगा तो सारे के सारे भी देखो करंट में अगर आपके लिए आंसर की लेके आए हैं तो आप फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दें भाई शेयर कर दें सारे के सारे फटाफट से पहले तो शेयर कर दें भी फिर अब अप, अपन मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं देखो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और भाई मैथ के अंदर तो जो आपको बातें बिल्कुल जो क्लास के अंदर बताई थी बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हैं और आपके अपनी जो जे बी क्लासेस की जो सीट है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए है ना तो अपन क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं भाई क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं देखना अपना देखो पहला ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई मैथ का ये वाला क्वेश्चन देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया एक सौ तेरह नंबर क्वेश्चन में एक सौ तेरह नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है घनमूल पूछा गया है क्या पूछा गया है घनमूल पूछा गया है आप मेरे को एक बात बताएं ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल अगर तरीका नहीं आता बिल्कुल आप ऑप्शन से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डी अगर मैं डी डोगी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो आठ का क्यूब होगा वो आपके पास कितना होगा पाँच सौ बारह होगा कितना होगा पाँच सौ बारह इसका मतलब आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो कितना आएगा आपका डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इतना चाहेगा जी डी आपका राइट आंसर आ जाएगा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए चलो भी ये सकती है ऊपर नीचे नहीं, नहीं हो रहा इसके बाद में देखो जी चेंज करना है क्या? ठीक है हाँ जी इसके बाद में देखो क्वेश्चन यदि अपन इसकी बात करें देखो अब देखो यहां पे 112 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें 112 नंबर क्वेश्चन में क्या है कप्तान एवं सैनिकों के यहाँ पे क्या बोला गया कि 100 सॉरी 1200 व्यक्तियों का एक समूह है ट्रेन से यात्रा कर रहा है क्या कर रहा है जी ट्रेन से यात्रा कर रहा है यहाँ प्रत्येक प्रत्येक पंद्रह प्रत्येक पंद्रह सैनिकों पर एक कप्तान तो यहाँ पे कप्तानों की संख्या अपने से पूछी गई है यहाँ पे जो आपका जो आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर कितना रहने वाला है बी बी आपका राइट आंसर रहने वाला है कितना रहने वाला है बी बी आपका राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल बी आपका राइट आंसर रहने वाला है इसके बाद में देखो भाई इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें भाई hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भाई 103 नंबर क्वेश्चन देखो बिल्कुल ये मैंने आपको बिल्कुल मैंने ये आपको क्लास के अंदर बताया था क्या बताया था यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कोट स्क्वेयर थीटा माइनस को सेक्स स्क्टा पूछा गया है मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने प्रॉपर्टी ये बताई थी कि कोशैक्सर थीटा माइनस का कोट स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक होता है जबकि यहाँ पे यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया साथियों उल्टा कर दिया और एग्जामिनर ने उल्टा कर दिया इसका मतलब यहाँ पे जो राइट right आंसर रहने वाला है वो माइनस एक रहेगा कितना रहेगा माइनस एक रहेगा कैसे रहेगा क्योंकि इसने यहाँ पे माइनस का कोशेक पूछा है और अगर माइनस का कोशैक पूछा है तो प्रॉपर्टी में मैंने आपको कोशैक माइनस का कोट लिखाया है इसका मतलब यहाँ माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया माइनस हो गया इसका मतलब जो साथियों इसका राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा सी आपका राइट आंसर रहने वाला है और यहाँ पे जिन कैंडिडेट को प्रॉपर्टी नहीं आती मैंने उनको एक रामवाण विधि बताई थी कि भाई थीटा का मान पैंतालीस पुट कर लेना थीटा का मान पैंतालीस पुट करेंगे तो कोट पैंतालीस कोट पैंतालीस का मान एक होता है एक का स्क्र एक आया कोशेक पैंतालीस होता है रूट दो होता है रूट दो का स्क्र माइनस का दो आया और यहाँ पे माइनस है चाहे तो आप पैंतालीस रख के करो इस क्वेश्चन को चाहे आप प्रॉपर्टी से करो आपका जो आंसर है वो कितना रहने वाला है माइनस का एक रहने वाला है और मैंने बिल्कुल आपको सारे के सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में करवाए थे भाई बिल्कुल आपको सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको करवाए थे इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देखो भाई इसके बाद में ये वाला देखो नाइन्टी फाइव नंबर क्वेश्चन देखो भाई नाइनटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखो नाइन्टी फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या है एक उर्दू आधार छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है अब आप एक बात बताएं देखो यहाँ पे देखो इस तरीके का डायग्राम बनने वाला है ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको क्लास के अंदर करवाया गया था बिल्कुल क्लास के अंदर करवाया गया था आप मेरे को एक बात बताएं देखो यहाँ पे क्या बोला है छड़ की लंबाई बोली गई है उर्दर्ण की लंबाई बोली गई है इसका मतलब एक है और छाया की लंबाई ये होती है ये रूट तीन है लेकिन अनुपात के अंदर है कोई बात नहीं यहाँ एक सेक्स अगर लें तो ले नहीं ले तो भी चलेगा आप मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे क्या होता है साठ के सामने रूट तीन होता है और तीस के सामने एक होता है और नब्बे के सामने दो होता है ऊनियन कोण पूछा है क्या पूछा है ऊनियन कोण पूछा है सूर्य का तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना आएगा साथियों आपका ए एप्पल राइट आंसर आएगा यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए देखो भाई अभी टाइम का देखो थोड़ा सा टाइम का अभाव है इसलिए थोड़ा सा अपन जल्दी चल रहे हैं अभी टाइम का अभाव है तो थोड़ा सा अपन जल्दी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला था वो तीस रहने वाला था इसके बाद में देखो भाई अपन यहाँ पे देखो अभी आपके सामने देखो ये क्वेश्चन आया यहाँ पे क्या है कि दो लम्बर बेलनों की त्रिजाओं का अनुपात दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात कर रहा है आप मुझे एक बात बताएं देखो भाई यहाँ पे बेलन का देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है टू पाई आर एच होता है कितना होता है टू पाई आर एच होता है और आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है जब अपन यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगाकर और जब मैं तिरजाओं को और जब मैं यहाँ पे ऊंचाइयों को पुट करूँगा आप ये फॉर्मूला लगा लेना बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन मेरे यूट्यूब की जो प्ले है उसके अंदर मैंने आयतन करवाया था और ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कितना यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे ए एप्पल आपका राइट आंसर रहेगा फाइव सिक्स फाइव नाइन ठीक है जी इसके बाद में देखो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है इस तरीके का अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें देखो भाई सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल यहाँ पे बताई हुई है सारी की सारी बातें आपको बताई गई है अब यहाँ पे देखो आर का वेतन एस के वेतन से तीस अधिक है ये आर है ये एस है अब देखो आर का वेतन एस से 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 अब आप मुझे एक बात बताओ देखो अब यहाँ पे क्या है कि आर का वेतन एस के वेतन से तीस अधिक है आर का वेतन है ना वो एस से तीस अधिक है तो इसका मतलब एस को सौ मान लिया तो आर कितना है एक सौ तीस है यानी आर का वेतन एस के वेतन से तीस अधिक है तो एस के वेतन से तीस अधिक कर लिया अब आप मुझे एक बात बताएं भाई अब आप मुझे एक बात बताएं देखो आर के आर के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है तो आप मुझे एक बात बताओ आर एक सौ तीस है और एस अपने पास कितना है सो है तो कमी कितने की होगी तीस की होगी कमी कितने की हो गई भाई तीस की होगी हुई किस पर है हुई किस पर है एक सौ तीस पर हुई है यहाँ पे ये कट गया तो आपके पास तीन बट्टा तेरह और गुणा में परसेंटेज वाला सौ तो आएगा ही आएगा इसका मतलब आपका जो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा तेईस से ही एक बट्टा में तेरह आपका राइट आंसर आएगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ परसेंटेज के लिए गुणा में सौ तो अपन लगाएंगे तो यहाँ तक भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई इसके बाद में देखो इसके बाद में और कौन सा है अभी मैथ का क्वेश्चन देखो भाई शेयर में अभी भी कंजूसी है भाई आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया अब देखो भाई आपको एक बात और बता दूं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है क्यों क्वेश्चन आ रहा है कैसे आ रहा है सुनना कैसे आ रहा है अभी त्रिकोण मिति से आ रहा है फिर उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस से भी आ रहा है लोग से भी आ रहा है ब्याज से भी क्वेश्चन आ रहा है टू डी से भी आ रहा है थ्री से भी क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल भाई जो आपके सिलेबस के अंदर दिया था प्रत्येक में से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे देखो घन के किनारे में बीस परसेंट की वृद्धि कर दी अब घन के सॉरी दस बीस परसेंट की वृद्धि कर दी आप मुझे एक बात बताओ पहले अपने पास किनारा कितना ले लिया अब यहाँ पे देखो पहले किनारा दस ले लिया इसके बाद में बीस परसेंट की वृद्धि कर दी तो किनारा कितना हो गया बारह हो गया किनारा कितना हो गया बारह हो गया ठीक है इसके बाद में इसके बाद में देखो भाई इसके बाद में देखो बार बार अब देखो दस और बारह आ गया ठीक है अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे देखो भाई आयतन में वृद्धि पूछी है अब मुझे एक बात बताओ देखो आयतन क्या होता है आयतन क्या होता है आयतन ये होता है ए क्यूब होता है यहाँ पे क्या होता है घन का आयतन ए क्यूब होता है तो एक तरीके से ए वन क्यूब आया फिर यहाँ पे ए टू क्यूब आया यहाँ पे देखो ये कितना आएगा एक हज़ार आएगा ठीक है कितना आएगा एक हज़ार आएगा यहाँ पे आपके पास कितना सत्रह सौ अट्ठाईस है ना अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ देखो यहाँ पे यदि बात करें तो आयतन में कितने की वृद्धि हो गई है सात सौ अट्ठाईस की वृद्धि हो गई है कितने की हो गई है सात सौ की हो गई है वृद्धि हुई किस पर है एक हजार पर हुई है गुणा में कितना आएगा सौ आएगा दो बिंदी से दो बिंदी कट गई और यहाँ पे ये यह कितना आया बेहतर पॉइंट आठ आपका राइट आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो बीस परसेंट की वृद्धि बता रहा है और ऐसा क्वेश्चन देखो ये देखो जितने भी 2D के 3D के जितने भी क्वेश्चन लोग के आए हैं आप बिल्कुल जे बी क्लासेस की प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं जिनका आगामी पेपर होने वाला है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं तो यहाँ पे देखो मेरे पास किनारा पहले 10 था बाद में 12 हो गया तो एक तरफ तो 10 का क्यूब आया एक तरफ बारह का क्यूब आया फिर अपन ने देख लिया फटाफट से कि यहाँ पे जो वर्दी हो रही है वो कितने की हो रही है जी ठीक है तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसका मतलब 728 की हो रही है 1000 पर गुणा में 100 आया तो बेहतर पॉइंट आपका 8% राइट आंसर आ गया जी इसके अच्छे इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये रहा एक क्वेश्चन देखो भी प्रॉफिट लॉस से भी पूछा गया है भाई शेयर कर दें भाई देखो शेयर में इतनी कंजूसी क्यों है शेयर में इतनी कंजूसी क्यों है भाई चलो भाई अब आप मुझे एक बात बताओ देखो एक आदमी ने दो मेज़ देखो सात सौ बीस रुपये में बेची एक पर उसे देखो बीस परसेंट का लाभ और दूसरे पर बीस परसेंट की हानि हुई तो पूरे सौ सो, पूरे सौदे में कुल कितनी हानि या हा, लाभ हुआ अब आप मेरे को एक बात बताओ अगर बीस परसेंट लाभ पर निकालोगे और अगर आप बीस परसेंट हानि पर निकालोगे तो अपने पास जो टोटल कितना आएगा टोटल जो आपके पास सी आएगा यहाँ से कितने रुपये आएगा पंद्रह सौ आएगा इसका मतलब आपने कितने में ख़रीदा है पंद्रह में ख़रीदा है कितने में ख़रीदा है पंद्रह में ख़रीदा है ठीक है कितने में खरीदा है पंद्रह सौ में खरीदा है इसके बाद में देखो दो मेज है दो मेज प्रत्येक को सात सौ बीस में बेची है इसका मतलब दोनों को आपने कितनों में बेची है चौदह सौ चालीस में बेची है तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या आएगी हानि आएगी क्या आएगी साथियों हानि आएगी और हानि यहाँ पे कितने की आएगी अपने पास साठ की हानि आएगी डी आपका आंसर आएगा भी यहाँ पे कितना आंसर आएगा डी आपका आंसर आएगा यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद में देखो इसके बाद में देखो ये देखो फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन देखो फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपको एक प्रॉपर्टी देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लोग बे से एक्स बटा में वाई हो तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है लॉग बेस एक्स माइनस का लोग बेस ए वाई होता है बोलो मैंने बताया था कि नहीं बताया था तो यहाँ पे देखो अपने क्या करेंगे यहाँ पे भी आपके पास यही रहने वाला है लोग का लोग आ गया यहाँ पे अपने पास आएगा फोर एल एम है क्या यहाँ पे फोर क्या है जी एल एम फोर एल एम है अपने पास है ना कितना है यहाँ पे फोर एल एम है तो यहाँ पे आएगा लोग फोर एल एम आएगा माइनस का अपने पास कितना आएगा लोग के आएगा ठीक है जी अब आप मुझे एक बात बताएं देखो अब यहाँ पे पता है क्या है इस चार को देखो इस चार को क्या लिख सकता हूँ मैं चार को लिख सकता हूँ दो की पावर दो एल एम माइनस का मेरे पास कितना आ गया लोग के आ गया कितना आ गया जी लोग के आ गया अब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको ऐसा करवाया है ये दो पावर है ये आगे आ जाएगी ये आगे आएगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दो लोग एल एम आएगा और माइनस का कितना आएगा लोग के आएगा ऑप्शन की तरफ देखा तो ऑप्शन के अंदर दो लोग अच्छा यहाँ पे दो भी आएगा भाई यहाँ पे देखना यहाँ पे दो आएगा यहाँ पे क्यों क्योंकि ये दो तो आगे आ गया, गया तो दो लोग दो हुआ ठीक है ऐसा अपन ने ऑप्शन देखा एक ही ऑप्शन है कौन सा है बी वाला ऑप्शन है इसका मतलब यही आपका राइट आंसर आएगा लेकिन अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हो तो फिर यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे देखो दो लोग दो तो राई रहा लेकिन एल गुणा एम वाली प्रॉपर्टी लग गई और जब आपके पास जब आपके पास यहाँ पे बेस ए एक्स गुणा में वाई हो तो आपके पास क्या होता है लोग बेस ए एक्स और लोग बेस ए क्या आ गया वाई आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे और ढंग से समझोगे तो आएगा दो लोग यहाँ पे कितना आएगा दो लोग दो फिर यहाँ पे आपके पास कितना आएगा लोग एलम इस तरीके से बोलो हाँ या ना यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई चलो भाई और आगे बढ़े अपन और आगे बढ़े इसके बाद में अच्छा इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन देखो भाई एक ये देखो औसत से क्वेश्चन आया एक ये वाला क्वेश्चन देखो भाई औसत से आ गया औसत से कौन सा क्वेश्चन आया सुनना औसत से आया यदि एम संख्याओं का औसत कितना एन स्क्र है तो यहाँ पे पूछा गया है कि एम प्लस एन संख्याओं का औसत कितना आएगा वो आपके पास आएगा जी एम गुणा एन आएगा कितना आएगा एम गुण आएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा सी रहेगा जी कौन सा रहेगा सी आपका राइट आंसर रहेगा इसके बाद में देखो पैंतालीस नंबर क्वेश्चन पैंतालीस नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है पैंतालीस नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास ये है यहाँ पे एबीसी दिया गया है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवाए गए क्वेश्चन है यहाँ पे देखो बटा में देखो दो है यहाँ पे क्या है दो कोण है बराबर तीन कोण बी बराबर सिक्स कोण सी है यहाँ पे अपने को एलसीएम सियम बारह लेना है बारह का भाग लगा दो और फिर बराबर में कुछ रख लो यहाँ पे तीनों कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री होता है तो यहाँ पे जब अपन हल करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा नब्बे साठ और तीस आपका राइट आंसर आएगा अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए शेयर कर दें दे सारे के सारे साथ के साथ इसके बाद में भाई अपन और क्वेश्चन देखते हैं अपन और क्वेश्चन भी देखते हैं अब यहाँ पे देखो एक ये वाला क्वेश्चन आया यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सम्बहु तिरुज देखो एक सम्बहु तिरुज की भुजा आप मुझे एक बात बताओ भुजा कितनी होती है ए होती है भुजा कितनी होती है ए होती है अनुपात उसके बाद में ऊंचाई कितनी होती है ऊंचाई होती है सम बहुत तिरभुज की रूट तीन बटा दो ए होती है तो पहले पूछा पहले इसने क्या पूछा है वो ध्यान देना पहले ये कहा गया है कि समभतरीभुज की भुजा तो संभिभुज की भुजा ही होती है और ऊंचाई का अनुपात होता है तो ऊंचाई कितनी होगी रूट तीन बटा दो ही होगी ए से एक कितना आ गया दो रूट तीन आपका आंसर आएगा कितना आएगा दो अनुपात रूट तीन आपका आंसर आएगा यहाँ तक किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें यहाँ पे तैतीस नंबर क्वेश्चन देखना भाई तैतीस नंबर क्वेश्चन देखो ये आपके जो अल्जेबरा वाला पार्ट है उससे वाला क्वेश्चन पूछा गया है 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 पे पे देखो क्या है? यहां पे अपने पास है, X बराबर में एक बटा में एक प्लस का कितना आया रूट दो आया तो एक बटा में रूट दो प्लस का वन आया अब यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा सरलीकरण करना पड़ेगा तो एक बटा में रूट दो प्लस का वन इसके ऊपर नीचे अपन उल्टे छने का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर अपने पास देखो यहाँ बट्टा के अंदर क्या बना ए प्लस का बी और ए माइनस का बी ए स्वेयर माइनस का बी x आ गया वो रूट दो माइनस का एक आ गया अभी इस एक्स का मान आप यहाँ पे पुट करना एक्स का मान यहाँ पे पुट करना आपके पास जो कितना आएगा यहाँ पे यहाँ पे आपके पास आएगा चार आपका सी आएगा कितना आएगा चार आपके पास आंसर राइट आंसर रहने वाला है जी यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद में इसके बाद में देखो भाई यहाँ पर देखो एक आपके पास ये देखो ब्याज वाला क्वेश्चन आया एक ब्याज वाला क्वेश्चन आया 25 परसेंट है और चार वर्ष है तो यहाँ पे क्या होता है कि रेट को अपन टाइम के साथ गुणा करेंगे पच्चीसों का सौ और सौ वो यानी यहाँ पे अपन कितना आ गया 200 की वैल्यू अपने पास कितनी है अठासी सौ है गुणा में सौ इसका मतलब डी चौमालीस सौ आपका आंसर आएगा कितना आएगा भाई चौवालिस आएगा शेयर कर दें भी सारे के सारे शेयर कर दें भी सारे के सारे फटाफट से इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन है भाई मैथ का देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल ये वाला तो इस बच्चे ने भी देखो जिसने किया उसने सही कर रखा है यहाँ पे देखो आपके पास देखो ये वाला जो है ना ये वाला जिसके अंदर कुछ भी नहीं है सिंपल है ये तो लड़के हैं और ये क्या है लड़कियाँ हैं तो ए कॉलेज अब आप मुझे एक बात बताओ ये वाला ए कॉलेज है और उसके बाद में सी कॉलेज ये वाला सी कॉलेज है तो ए कॉलेज और सी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात तो यहाँ पे जब ए के लड़के और लड़कियों को जोड़ेंगे और जब बी की लड़कियों और लड़कों को जोड़ेंगे तो आठ हजार आठ हज़ार आने आने वाला है और यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा डी आपका एक अनुपात एक आएगा बिल्कुल एक अनुपात एक आएगा यहाँ तक यहाँ तक भाई और कोई देख लेते हैं अपन कोई मैथ का क्वेश्चन रह तो नहीं गया रह तो नहीं गया भाई देखो यहाँ तक तो ये अपन ने कम्प्लीट कर लिया ना चलो भाई फटाफट से बता दें भाई फटाफट से शेयर भी कर दें सारे के सारे भाई शेयर भी कर दें अभी भी आप लोगों की संख्या बहुत कम है और देखो पिछली बार तो देखो मैथ के क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो मैथ के क्वेश्चन कम आए थे लेकिन इस बार हर हर पारी के अंदर आपके जो बीस क्वेश्चन आ रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी बीस क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जी फटाफट से शेयर कर दें भाई मैं अपन मैथ का क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया इसके अलावा मैथ का मैथ का फटाफट से शेयर भी कर दें सारे के सारे ये भी हो गया इसके बाद में फिर बाद में भाई क्वेश्चन मैथ का मैथ का मैथ का लगभग लगभग क्वेश्चन हो गए लग रहे हैं भाई लगभग लगभग लग क्वेश्चन हो गए लग रहे हैं बिल्कुल आप शेयर कर दें सारे के सारे अच्छा ये देखो 141 नंबर क्वेश्चन देखो एक फिर एक मैथ का क्वेश्चन आया 141 नंबर वैसे एक आधा क्वेश्चन रह गया भाई अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ये देखो ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे ये काम नक्की तो यहाँ पे कितना आया चौंसठ का कितना रहने वाला है आठ और यहाँ पे अपने पास कितना आएगा पच्चीस आएगा कितना आएगा पच्चीस छह सौ पच्चीस कितना आएगा आएगा और फिर यहां कितना आएगा बाईस बाईस ही आएगा है ना अब इसको काट लो यहाँ पे ये चार पे कटा यहाँ पे ग्यारह पेटा ग्यारह निन्यानवे और यहाँ पे आपके पास कितना आया सौ बटा निन्नान आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा अभी डी आपका राइट आंसर आएगा इसके बाद में शायद एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट एक क्वेश्चन हाँ जी ये वाला क्वेश्चन देखो एक सौ सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो अभी एक सौ सैंतीस नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और यहाँ पे क्या है कि आधार को बीस परसेंट कम कर दिया जाए इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे एरिया एक बटा में दो आधार गुणा में ऊंचाई एक बट्टा में दो आधारगुणा में क्या होता है ऊंचाई एक बट्टा दो से एक बट्टा दो कट गया इसका मतलब पहले आपके पास कितना पाँच या फिर कितना आपके पास है? चार है अब वो कह रहा है कि यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए साथ ही ऊंचाई को दुगना कर दिया आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो आपका सी आंसर आएगा पाँच अनुपात आठ आपका राइट आंसर रहने वाला है तो ये सारे के सारे भी मैथ के क्वेश्चन थे और प्रत्येक पारी के अंदर बीस क्वेश्चन आ रहे हैं जो टॉपिक के अंदर था वहाँ से लगभग लगभग हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है ठीक है जी आइए रंजीत सर अब जो आपके बाकी जो क्वेश्चन रह गए फटाफट अपने उन क्वेश्चनों को आंसर लगा लेते हैं दोस्तों आइए शुरुआत से देख लेते हैं अपने बाप क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस सीरीज में नहीं आए हैं इसलिए जो है आइए देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने सामने क्वेश्चन नंबर है तीन बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजना की घोषणा की है तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों दो हजार पंद्रह सोलह क्या सही जवाब रहेगा इसका दो हजार पंद्रह सोलह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर चार है अपने सामने कि बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है तो बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आसन आकर्षण क्या है दोस्तों गैर नृत्य कौन सा नृत्य है गैर नृत्य इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर छः देखिए क्वेश्चन नंबर जी के का क्वेश्चन है कि भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया तो सही आंसर है दोस्तों गुलाम अब्बास मुंटसिर क्या आंसर रहेगा गुलाम अब्बास मुंटसिर इसका बिल्कुल सही जवाब है सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्या कह रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यानी कि कहा किया गया ये अपने से पूछ रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहा किया गया तो कहां किया गया है दोस्तों जोधपुर में कहां पर किया गया, किया गया है जोधपुर में किया गया है अगला क्वेश्चन राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई तो कब हुई है दोस्तों 2001 दो में राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब 2001 में हुई है क्वेश्चन नंबर नौ देखिए क्वेश्चन नंबर नौ क्या कह रहा है निम्नलिखित लिंग में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है कुछ आपको अभिक्रिया दे रखी है इसका सही जवाब रहेगा क्या रहेगा दोस्तों सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बारह नंबर क्वेश्चन देखिए करण जी के का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर बारह निम्नलिखित में से किसने आठ दस दो हजार बाईस को आयोजित विश्व चैंपियन में अपना पच्चीसवा विश्व खिताब जीता है सौरभ कोठारी पंकज आडवाणी गीत गी सेठी या आदित्य मेहता तो सही जवाब है इसका क्या दोस्तों पंकज आडवाणी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है क्या सही जवाब है पंकज अडवाणी जो है बिल्कुल सही जवाब है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितोरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया तो इसका सही आंसर रहेगा सी महाराणा जगत सिंह क्या आंसर रहेगा दोस्तों महाराणा जगत सिंह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने <laughs> 19 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इस शब्द का आपने डिफॉर्म का आपने क्या बताना है स्नोनिम्स बताना है और इसका स्नोनिम्स रहेगा डिस्टॉर्ट क्या रहेगा डिस्टॉर्ट जो है इसका सही जवाब रहेगा अगला क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर तेईस करंट जीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेईस दोस्तों करंट जीके के खूब तो क्वेश्चन जो है आप जरूर एग्जाम में अगले एग्जाम में जा रहे हैं तो वो पढ़कर जाएं निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है विशेषता कौन सी नहीं है सी नहीं? अच्छा क्वेश्चन है और सी आंसर रहेगा आपका इस स्कीम में न्यूनतम तैतीस प्रतिशत स्थान लड़कियों के लिए क्या है आरक्षित है ये जो है क्वेश्चन सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस देखिए क्वेश्चन नंबर छब्बीस क्या कह रहा है मोकड़ी क्या है ये आपसे पूछा है मोकड़ी क्या है तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ए लाख की चूड़ियां क्या है दोस्तों सही जवाब क्या रहेगा ए लाख की चूड़ियां इसका सही जवाब रहेगा उनतीस नंबर क्वेश्चन देखिए करण जी के का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उनतीस विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल बॉल से है फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल या क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है यह क्वेश्चन आपसे पूछा है तो किससे दोस्तों क्रिकेट से किससे है क्रिकेट से संबंध है किसका विजय हजारे ट्रॉफी का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इकतीस क्वेश्चन नंबर इकतीस देखिए राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को पांच सरकारी कंपनियों में बांट दिया था पांच सरकारी कंपनियों में कब बांट दिया था तो कब 2000 में डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है कब बांट दिया था दोस्तों 2000 में बांट दिया था अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है अपने सामने 43 नंबर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन दोस्तों फोर्टी नंबर क्वेश्चन है फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अठारह दिसंबर दो हजार बाईस के अनुसार आपसे पूछा है तो 43 का क्वेश्चन आंसर रहेगा राजीव कुमार क्या आंसर रहेगा दोस्तों राजीव कुमार जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्या आंसर है राजीव कुमार अगला क्वेश्चन है छियालीस नंबर क्वेश्चन फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर छियालीस क्या कह रहा है निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोमिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है तो छियालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए मोहन लाल कुमार किसको दिया गया है दोस्तों मोहन लाल कुमार को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है आगे चलते हैं अड़तालीस नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अड़तालीस ये देखिए थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है तो इसका आंसर रहेगा ए डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है तो कितने रोजगार की गारंटी दी जाती है दोस्तों सौ दिन के रोजगार की गारंटी जो है वो दी जाती है हो सकता है दोस्तों अगले पेपर में ये पूछ ले आपसे कि योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई है या इस योजना का संबंध इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का संबंध शहरी क्षेत्र से है या ग्रामीण क्षेत्र से है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है अपने सामने फिफ्टी नंबर क्वेश्चन फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन उन्नीस लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाई ओर से बारवा स्थान तथा सुरेश दाई ओर से बारवा है दोनों के मध्य कितने लड़के हैं ये आपने बताना है और इसका आंसर रहेगा क्या बी यानी कि तीन क्या आंसर रहेगा दोस्तों बी यानी कि तीन जो है इसका सही जवाब रहेगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन देखिए 72 टू नंबर क्वेश्चन बेहतर नंबर क्वेश्चन है सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन एम एस वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करेंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है और इसका सही आंसर है ए यानी कि वर्ड रैप क्या आंसर है दोस्तों वर्ड रैप इसका बिल्कुल सही आंसर है अगले क्वेश्चन पर चले सतर नंबर क्वेश्चन देखिए करण जीके का क्वेश्चन है सेवन सेवन नंबर क्वेश्चन सतहत्तर क्वेश्चन देखिए कौन सी प्रवतारोही पांच आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी है तो सही जवाब है प्रियंका मोहिते क्या आंसर रहेगा दोस्तों प्रियंका मोहिते जो है इसका सही जवाब है अस्सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर अस्सी भारत में शंकुधारी वृक्ष जो हैं है, में पाए जाते हैं मैग्रो बन उष् उष्ण कटिबंधीय दाबार बन उष्ण कटिबंधीय कं, कंटीले वन या पर्वतीय बन तो इसका सही जवाब रहेगा क्या दोस्तों डी यानी कि पर्वतीय वन क्या सही जवाब रहेगा डी यानी कि पर्वतीय वन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अगला क्वेश्चन देखिए तिरासी नंबर क्वेश्चन है एटी थ्री नंबर क्वेश्चन इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्लेट, प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है तो दोस्तों आठ रुपए कितने रुपए में आठ रुपए में अगला क्वेश्चन देखिए इसे आगे वाला क्वेश्चन है चौरासी नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया यह आंसर बताना है चौरासी नंबर क्वेश्चन और चौरासी नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए दो अक्टूबर दो हजार पांच दो अक्टूबर दो हजार पांच इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा एटी नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर क्वेश्चन है झालीबा बाबड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है तो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों कुंबलगढ़ दुर्ग में स्थित है किसमें स्थित है कुंबलगढ़ दुर्ग में स्थित है नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था ये जो सभ्यताओं से संबंधित जो स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चनों में भी दोस्तों पूछा गया है तो एचडी सांकलिया इसका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्वेश्चन नंबर 93 ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी इसका आपने हिंदी अनुवाद बताना था उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई ये सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है चौरानवे तो नंबर क्वेश्चन देखिए 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी तो कहां हुई थी दोस्तों वर्धा में हुई थी कहाँ हुई है छियानवे नंबर क्वेश्चन क्षणिक <coaching> क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है क्षणिक क्रोध जो है जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है तो वाचक विशेषण है कौन सा दोस्तों वाचक विशेषण है इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है छत्तीस घंटों में एक घड़ी की सुइया कितनी बार मिलती हैं तो कितनी बार मिलती है दोस्तों 33 बार मिलती हैं कितनी बार मिलती हैं तेतीस बार मिलती हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ दो क्वेश्चन नंबर एक सौ दो देखिए करण जी के का क्वेश्चन है सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था पायोनियर वन यानी कि पायोनियर वन जो है सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला यान था 105 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105 अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं के सहयोग का परिणाम है यानी कि किसके सहयोग से चल रही है ये आपने बताना है तो दोस्तों ये अरुण जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है क्वेश्चन नंबर 106 देखिए लुप्त संख्या जो है वो आपको ज्ञात करनी थी इस क्वेश्चन में और इसका सही जवाब रहेगा दो बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है 109 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 109 देखिए संगाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान किसने की है दोस्तों उज्बेकिस्तान ने की है उज्बेकिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब है एक सौ ग्यारह नंबर क्वेश्चन अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे तो अजयराज चौहान के पिता कौन थे पृथ्वीराज प्रथम क्या आंसर रहेगा पृथ्वीराज प्रथम जो है इसका सही जवाब रहेगा एक सौ सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं तो कहाँ मिले हैं बालाथल कहा तो पर मिले दोस्तों बालाथल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 पांच सेंटीमीटर बुझा के दो घनों को जोड़कर एक घनाब बनाया जाता है इस प्रकार बने घनाब की लंबाई है तो इसका सही जवाब रहेगा 10 सेंटीमीटर क्या रहेगा दोस्तों बी यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब रहेगा राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध किससे है और इसका मिशन बुनियाद का संबंध दोस्तों किससे है डिजिटल लर्निंग से है किसे डिजिटल है? लर्निंग से इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला क्वेश्चन देखिए 126 नंबर क्वेश्चन डू यू स्पीक इंग्लिश यानी कि इसमें जो सही आएगा सी आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा कौन सा आंसर है दोस्तों सी आंसर बिल्कुल सही है 125 नंबर क्वेश्चन लक्ष एवं श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन या टेनिस तो किससे संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है किसे बैडमिंटन से संबंधित है 128 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में एसयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी शेखावाटी सुधार संघ चिड़ावा सेवा आ, सेवा समिति शेखावाटी किसान पंचायत या पिजाम तो इसका सही आंसर रहेगा चिड़ावा सेवा समिति नेक्स्ट आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 135 और क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 136 का जो सही जवाब है चूज द करेक्ट ऑप्शन तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब कौन सा है दोस्तों ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका 140 नंबर क्वेश्चन किस क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 140 विषम को छांटना है आपने इसमें से तो रियाद जो है वो क्या है विषम है इसमें टकार रूबल रियाल रियाल में इन सब में विषम क्या है तो रियाद विषम है 142 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन आ, कौन सा है तो बर्फ का पिघलना जो है वो क्या है दोस्तों भौतिक परिवर्तन है फ्रीडम का आपने करेंट एंटोनिम्स चुनना था तो इसका आंसर रहेगा ए स्लेवरी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा एक सौ नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ यदि रांची को रायपुर कहा जाता है रायपुर को पटना कहा जाता है पटना को कटक कहा जाता है कटक को भोपाल कहा जाता है तो बिहार की राजधानी क्या है तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों कटक है क्या है कटक क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक वह योगे जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह क्या है तो एल्किन साइनाइड क्या आंसर रहेगा इसका एल्किन साइनाइड जो है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा 148 और एक नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन है आउटीच योर सच थिंग्स इस ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों सी क्या सही जवाब रहेगा सी और एक नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब रहेगा क्या रहेगा दोस्तों ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा तो आपने सर को तर ना कोई क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट आपको मैच uh, के बारे में बता रहे हैं कौन सुशील जी कोई कमेंट आया था किसी का जी एक एक बच्चे का कमेंट आया था भाई कि सर वो uh, आंसर पिचहत्तर कैसे आया वो अपना क्वेश्चन था भाई साथियों एक मिनट वो एक क्वेश्चन uh, में एक था भाई एक बच्चे का ये कमेंट था कि सर वहाँ पे पिछहत्तर आंसर कैसे आया क्योंकि आपने वहाँ पे जो आंसर है ना वो लगभग लगभग बच्चों ने अस्सी किया था ना अस्सी किया था एक मिनट में वो क्वेश्चन देख रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन था भाई वो कैप्टन वाला क्वेश्चन था ना 1200 सो सैनिक बारह सैनिक थे ना ऐसा ही क्वेश्चन था देखो 1200 सैनिक थे भाई कितने सैनिक थे साथियों 1200 किसी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर वहां पे आंसर कितना आया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1200 तो सैनिक थे ठीक है अब यहाँ पे 1200 सौ बारह सौ सैनिकों में उसने क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि पंद्रह सैनिकों पर एक कैप्टन है पंद्रह सैनिकों पर क्या है एक कैप्टन है इसका मतलब पंद्रह सैनिकों पर एक कैप्टन है तो आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे बारह सौ के अंदर पंद्रह का भाग दे दिया था तब आपका अस्सी आया था लेकिन यहाँ पे भाग अपने को सोलह का देना था भाग किसका देना था सोलह का भाग देना था क्योंकि पंद्रह तो सैनिक है उसके अंदर वो सोलहवा कैप्टन है इसका मतलब यहाँ पे जब सोलह का भाग देंगे बारह सौ के अंदर तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो सेवनटी फाइव आएगा किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो उनका ये क्लियर हो जाना चाहिए और वैसे लगभग लगभग बच्चे मेरे को ये लग रहा है अस्सी करके आए होंगे क्योंकि सीधा ही वहाँ पे ऑप्शन में देखते ही ये पता लग रहा था कि पंद्रह बारियाँ एक सौ अस्सी तो आप ऐसे मत करना यहाँ बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना था तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे पिछेतर आया और हाँ रंजीत सर ने करवा दिया ना सारे क्वेश्चन तो भाई एक मोटी मोटी बात ये है कि जितने भी जो आपको टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं जैसे परसेंटेज का ही क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आ रहा है सुन लेना मैथ के अंदर सारे के सारे परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में से एक क्वेश्चन आ रहा है कभी दोनों टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन उठा के दे रहा है कभी दोनों में से एक दे रहा है ना इस तरीके से उसके बाद में फिर उसके बाद में लोक का एक क्वेश्चन आ रहा है त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन आ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ रहा है औसत का एक क्वेश्चन आ रहा है और इसके बाद में स्टेटिक्स का अगर देखा जाए तो चलो इस पारी में नहीं नहीं लेकिन हर एक पारी के अंदर भी उसका भी एक क्वेश्चन आ रहा है स्टेटिक्स का टू डी का एक क्वेश्चन आ रहा है थ्री डी का एक क्वेश्चन आ रहा है यानी कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि मैथ के हर पारी के अंदर लगभग लगभग बीस क्वेश्चन आ रहे हैं और ये नहीं है कि एक टॉपिक से ही पांच क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो आगामी अभी शाम वाली शिफ्ट है और जो 11 तारीख वाला होने वाला पेपर है अगर बिल्कुल अगर इन जो मैंने टॉपिक अभी गिनाए हैं अगर इन टॉपिकों का यदि आपको बेसिक नॉलेज भी है ना तो आप बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो ठीक है तो जो शाम वाले बच्चे हैं जो भी पेपर देने जाएंगे मतलब चले गए होंगे है ना तो ठीक है और जो ग्यारह तारीख को पेपर होने वाला है उन सभी को आपको ऑल दी बेस्ट और सभी को बहुत बहुत बधाई